जी तो ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप है कि नथिंग फोन वन का कैमरा जो है वो कैमराज को, स्पेशली आईफोन के कैमराज को जो है वो टक्कर दे सकता है। तो आज हम इसकी फोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का टेस्ट करके देखते हैं इंडोर में, आउटडोर में और जो है नाइट में, कि वाकई इसके कैमरे में कोई बात है कि नहीं। तो इसके फोटोग्राफी टेस्ट में हम टेस्ट करने वाले हैं इसके पोर्ट्रेट मूड को, इसके सेल्फी मूड को, इसके स्लो मोशन को, इसके अलावा इसके मैक्रो मूड को और अल्ट्रा वाइड कैमरे को। और सेम इसी तरह इसकी वीडियोग्राफी में हम जो है इसकी HD वीडियो, 4K वीडियो और फ्रंट कैम की वीडियो को टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जो है नथिंग ने इस फोन के अंदर जो है डुअल कैमरा सेटअप किया है, जिसमें इसका मेन कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल f1.8 का कैमरा है। इसके अलावा जो दूसरा कैमरा है अल्ट्रा वाइड कैमरा है 50 मेगापिक्सल का f2.2 का कैमरा। और गाइस इसके अल्ट्रा वाइड कैमरे के अंदर ही उन्होंने जो है मैक्रो मोड भी डाल दिया है, उसको भी हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का f2.5 का कैमरा है। तो यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड में हमने ये टेस्ट करने की ट्राई किया है कि नथिंग वन का जो कैमरा है वो पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड ब्लर आपको किस तरीके का देता है, फेक देता है या रियल देता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हमने देखना था जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो एजेस कैसे आपको देता है, फेक एजेस हैं, शार्प एजेस हैं या जो है बिल्कुल DSLR की तरह हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आउटडोर में भी, इनडोर में भी, नाइट में, तीनों जगह पे इसको टेस्ट किया है। तो पिक्चर आप देखिए रिजल्ट आपको कैसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि ब्लर थोड़ा फेक लग रहा है, बोके इफेक्ट जो है बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ब्लर जो है वो फेक लग रहा है जो इसने ओरिजिनल मारा है। लेकिन आप जो है एडिटिंग के अंदर इसके ब्लर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर जो इसका बोके इफेक्ट है उसको आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। बोके इफेक्ट जो है एक अच्छी चीज़ है, बाकी ब्लर थोड़ा फेक है। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरे का पोर्ट्रेट मोड है उसके अंदर जो हमने नाइट टेस्ट किया उसके अंदर अगर आप देखें तो कभी टेम्परेचर जो है वो आपका जो है ब्लू की तरफ जा रहा है, कभी ऑरेंज की तरफ जा रहा है, और जो इंडोर वाली है उसके अंदर अगर आप देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा येलो कलर जो है वो ऐड हो गया है, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा येलो की तरफ है। उसके बाद जो आउटडोर पिक्चर है उसकी कलर टून बहुत कमाल है, बहुत अच्छी कलर टून है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो जो पिक्चर निकल कर आई उसमें जो है नाइट की पिक्चर में थोड़ी क्वालिटी कम है, बाकी जो है आपकी दोनों पिक्चर में क्वालिटी अच्छी है। तो इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसकी जो आउटडोर में क्वालिटी है वो थोड़ी सी डार्क है, थोड़े से शेडो उसके अंदर ज़्यादा है, कंट्रास्ट भी ज़्यादा है। और सेम इसी तरह अगर बात की जाए इंडोर में, इंडोर में बहुत अच्छी पिक्चर है, व्यू भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वाइड मिल रहा है, और आप देखें कलर टून, शार्पनेस, हर चीज़ जो है परफेक्ट है, कलर भी काफ़ी अच्छे हैं। और अगर हम नाइट की पिक्चर की बात करें तो वहाँ पर जो है हमें थोड़ी सी ज़्यादा जो है एक्सपोजर ज़्यादा उठा हुआ है, यानी कि एक्सपोज है थोड़ी सी पिक्चर, लेकिन काफ़ी अच्छी है क्वालिटी अल्ट्रा वाइड की, इसकी काफ़ी बेहतर है, सिर्फ आउटडोर में थोड़ी सी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इसका जो सिंपल मेन कैमरा है उसकी क्वालिटी है मुझे तीनों जगह पे बहुत अच्छी लगी है, आउटडोर में भी, इंडोर में भी और नाइट में भी। आउटडोर में अगर आप देखें तो उसका फोकस काफ़ी फास्ट है, फेस को ये ट्रैक भी कर रहा है। इंडोर में अगर आप देखें तो उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, आपके फेस को भी बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहा है, कलर टून भी अच्छी है। और नाइट में आप देखें तो आपको ग्रेन्स देखने को नहीं मिल रहे, अक्सर कैमराज के जो है बहुत ज़्यादा लो लाइट में या नाइट में जो उनकी पिक्चर्स के अंदर ग्रेन्स आते हैं वो भी आपको देखने को नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर आप मेरी बात पर यकीन ना करें, जो भी मैंने सारी पिक्चर निकाली है या ये वाली जो पिक्चर है इनको डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से डाउनलोड करके जूम करके खुद जो है आप क्वालिटी को लाजमी चेक करें। तो इसका जो सेल्फी कैमरा है उसकी आउटडोर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कलर टून बहुत सॉफ्ट है जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद जो इंडोर के अंदर इसकी पिक्चर के अंदर कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पर हम नाइट की बात करें तो नाइट के अंदर जो है इसके अंदर देखें आप कंट्रास्ट भी ज़्यादा है और जो है शार्पनेस बहुत कम है, इसके बाद ग्रेन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो नाइट में ये इसका सेल्फी कैमरा आपको तंग करेगा। यहाँ पर जो मैक्रो कैमरा होता है उसका मेन मकसद होता है कि आप चीज़ों के टेक्सचर के अंदर चले जाएं, अंदर से टेक्सचर जो उसका देख सकें कि क्या है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कैमरा है वैसे तो इन्होंने डेडिकेटेड मैक्रो मोड दे दिया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप है, कुछ भी नहीं है इस कैमरे के अंदर, ये दूर से ही यानी कि क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसको चीज़ के टेक्सचर के अंदर लेकर जाकर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो फोकस नहीं करता, तो सिंपली एक लॉलीपॉप दिया गया है आप लोगों को। यहाँ पर जो इस कैमरे का स्लो मोशन है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ पर अगर बात की जाए उसकी स्टेबलाइजेशन की
तो वो थोड़ी कम है, इनको थोड़ी स्टेबलाइजेशन पे काम करना चाहिए, क्योंकि स्लो मोशन में ज़्यादातर जो है हमने जो है मूव करना होता है, जिसने कैमरा पकड़ा होता है तो वो वहाँ पर जो है कैमरा लाजमी शेक करता है, तो वहाँ पर जो थोड़ा स्टेबलाइजेशन पे जो है वर्क करना चाहिए इनको। बाकी स्लो मोशन बहुत स्मूथ है, कलर भी बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ परफेक्ट है। जो आउटडोर का स्लो मोशन है हमने थोड़ा शाम को किया था, मतलब कोई 6 या 7 बजे के राउंड बोर्ड, तो इस वजह से उसमें थोड़े से जो है वो कंट्रास्ट और शेडो ज़्यादा है, बाकी दोनों जो है वो स्लो मोशन परफेक्ट है। यहाँ पर जो हम नथिंग फोन 1 का जो फ्रंट कैमरा है उसका टेस्ट कर रहे हैं HD वीडियो का। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बाकी दिखाता हूँ आपको, स्टेबलाइजेशन देखें इसकी, ये मैं बाकी आपको दिखा रहा हूँ, स्टेबलाइजेशन देखें, कलर तो बहुत अच्छे आ रहे हैं जो मुझे लग रहे हैं। इसके अलावा जो है स्टेबलाइजेशन आपने देख लिया, कलर अच्छे हैं और बाकी चीज़ें आप देख लें, मुझे स्टेबलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं लग रही, बहुत हैंड जो है ना मेरा शेक हो रहा है। ये जो यहाँ पर जो है नथिंग फोन 1 का हम जो है फ्रंट कैमरे का टेस्ट कर रहे हैं, 1080 वीडियो बन रही है, यहाँ पर आप देखें स्टेबलाइजेशन कैसी है। वो जो है उस कमरे में ज्यादा लाइट थी, यहाँ पर फुल कम लाइट है, यहाँ पर भी आप देखें आपको कैसा रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। कलर देखें, इसके अलावा जो है आप देखें इसके अंदर स्टेबलाइजेशन कैसी है, हर चीज परफेक्ट है कि नहीं, व्लॉगिंग के लिए काम कर सकता है कि नहीं। इधर यहाँ पर जो है हम नथिंग 1 फोन जो है इसके फ्रंट कैमरे की वीडियो का टेस्ट कर रहे हैं 1080p पे। जो यहाँ पर जो है सारी जो है नाइट है, फुल नाइट है और शोर बहुत ज्यादा है यहाँ पर ना। आप इसकी यहाँ पर माइक की क्वालिटी को चेक करें कि माइक कैसा है, शोर यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो थोड़ा सा हम बाकी भी आपको दिखा देता हूँ स्टेबलाइजेशन, ये चीजें आप देख सकते हैं। थैंक यू। ये हम नथिंग फोन 1 के बैक कैमरे का टेस्ट कर रहे हैं HD पे। जो यहाँ पर आप कलर देख लें और जो है इसकी शार्पनेस वगैरह देख लें, इसके अलावा डिटेल देख लें वीडियो में कितनी है। तो चलिए इसकी स्टेबलाइजेशन थोड़ी चेक करते हैं। स्टेबलाइजेशन इसकी आप चेक कर लें। इसके अलावा जो है इसके अंदर माइक्रोफोन जो है वो Type-C वाला लगता है, Type-C वाला मेरे पास माइक्रोफोन है नहीं था अलग से, तो इसका माइक्रोफोन ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप वो क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम नथिंग फोन 1 का 1080p पे टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर फुल लो लाइट है, यहाँ पर एक जो है आपको बार में जिस तरह का व्यू मिलता है उस तरीके का यहाँ पर व्यू है। तो चलिए अब आपको मैं थोड़ी सी ज्यादा लाइट की तरफ दिखाता हूँ कि किस तरीके का व्यू आएगा। फिर यहाँ पर ये वाली लाइट है हमारे पास, इसके अंदर देखें आप किस तरीके का व्यू आ रहा है। तो ये जो है ज्यादा लाइट है, वो जो फुल यानी कि लो लाइट थी, ये जो है प्रॉपर लाइट है जो कि आपको किसी रेस्टोरेंट में या किसी जगह में मिलती है। और बाकी यहाँ पर जो है फुल कोई नॉइज नहीं है, बहुत अच्छी जो है माइक्रोफोन की क्वालिटी आनी चाहिए, ठीक है, तो ये हम एक्सपेक्ट करें क्योंकि नॉइज नहीं है। अगर यहाँ पर भी गंदी क्वालिटी तो इसका माइक्रोफोन भी जीरो है। यहाँ पर जो है नथिंग फोन 1 का हम जो है बैक कैमरे का 1080p भी जो है टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर माइक की क्वालिटी को लाभी चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफी शोर है और पीछे जो आप देख सकते हैं फुल लो लाइट है, नाइट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह के कलर आ रहे हैं, स्टेबलाइजेशन कैसी है, तो स्टेबलाइजेशन के थोड़ा सा हमें बाकी चेक करना पड़ेगा। स्टेबलाइजेशन इसकी आप चेक करें, कलर टोन लो लाइट की कैसी परफॉर्मेंस है, फुल लो लाइट है यहाँ पर, तो ये वो नाइट है लाइट है जो आपको किसी इवेंट पे या किसी भी जो रेस्टोरेंट में मिलती है। थैंक यू। यहाँ पर जो हम नथिंग फोन 1 के 4K कैमरे का 30 FPS पे जो वो शूट करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो इस टाइम मौसम है वो थोड़ा बारिश वाला मौसम है और लाइट थोड़ी लो है, तो आप कलर देखें, इसके अलावा इसकी शार्पनेस, कलर टोन, फोकस देखें, मेरे फेस को ट्रैक कर रहा है कि नहीं, ये देखें दोबारा से मैं वापस घूम के आता हूँ, फेस को ट्रैक करता है कि नहीं, ये आप देख लें। इसके अलावा थोड़ी सी इसकी स्टेबलाइजेशन 4K पे चेक करते हैं, स्टेबलाइजेशन देखें, ठीक है जी, ये इसकी 4K वीडियो की क्वालिटी है। ये इधर सन है और उस साइड पे जो है, ये दोनों तरफों से मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके का आपको जो है वो मिलेगा। यहाँ पर जो नथिंग फोन 1 का हम 4K वीडियो का टेस्ट कर रहे हैं कि 4K में हमें किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। फिर यहाँ पर देखें तो लाइट हमारी सेम है, यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन भी हम इसकी चेक करते हैं, तो चलिए थोड़ा सा बाकी देखते हैं स्टेबलाइजेशन कैसी है। और यहाँ पर जो है येलो लाइट है, ये सारी व्हाइट लाइट है, तो लाइटों के कम्बिनेशन में देखेंगे लाइटों को यानी कि डिफरेंस करता है कि नहीं करता, ठीक है जी। तो चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा जो है लो लाइट का एक बार व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो है लो लाइट है हमारी थोड़ी ज्यादा, तो यहाँ पर आप देखें किस तरीके का रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया इसका जी हमारा इनडोर का जी। तो यहाँ पर जो नथिंग फोन 1 की 4K वीडियो क्वालिटी हम चेक करने वाले हैं, यहाँ पर देखें आप क्वालिटी कैसी आपको नजर आ रही है, फोकस देखिए, ये फेस का फोकस किस तरीके से कर रहा है,
शार्पनेस कैसे आ रही है और आपके फेस को ब्रैक करता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसकी स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं, थोड़ा बाहर की स्टेबलाइजेशन देखें, ये फुल लो लाइट है, ये यहाँ पर फुल लो लाइट बनाई थी, यहाँ पर भी आपको क्वालिटी समझ आ जाएगी। थैंक यू जी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी कमेंट में बताइएगा। इस मोबाइल से जो भी तस्वीरें और वीडियोस मैंने बनाई हैं उन सबका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर उनको डाउनलोड कर लें और जो जूम करके खुद क्वालिटी को चेक करें कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो आज की वीडियो जो है यही थी, अगली वीडियो तक के लिए बाय।